विनर पास सीजन 3 का जो गिव अवे की मैं बात कर रहा था वो गिव अवे इसी वीडियो के थ्रू होने वाला है। आपको पार्टिसिपेट करने के लिए इस वीडियो को लाइक करना पड़ेगा और कमेंट करना पड़ेगा। कमेंट करना बहुत जरूरी है दोस्तों, क्योंकि कमेंट पिकर वेबसाइट के थ्रू ही मैं विनर्स को जो है सेलेक्ट करने वाला हूँ। तो आज है 3 तारीख, 4 तारीख के शाम तक आप लोग जो है कमेंट कर सकते हो और 5 तारीख को कभी भी लाइव आके मैं लाइव प्रूफ के साथ आप लोगों को विनर का अनाउंसमेंट कर दूंगा। ओके, लाइव आके रैंडमली हम कमेंट पिकर से सेलेक्ट करेंगे और लेट्स सी कौन जीतता है। ओके, सो बहुत ही सिंपल है, एक बात ध्यान रखना दोस्तों, मेरे सब्सक्राइबर्स के लिए ही है ये गिव अवे। ओके, अगर आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं करके रखा तो आप गिव अवे से अपने आप ही बाहर हो जाओगे। सो ऑल द बेस्ट, कमेंट करो और आई होप कोई जिसको जरूरत है वही जीते। तो चले वीडियो शुरू करें अब। हाय दोस्तों, स्वागत है आप सभी का रोहित वेजर यूट्यूब चैनल में। आज के इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं पबजी मोबाइल लाइट गेम के बारे में। बड़ा वाला पबजी मोबाइल होने के बावजूद टेंशन वालों ने पबजी मोबाइल लाइट को क्यों बनाया और साथ ही साथ बड़े वाले पबजी से ये पबजी मोबाइल लाइट कितना डिफरेंस है, कितने कम फीचर से पबजी मोबाइल लाइट में, उस सब के बारे में हम इस वीडियो में बात करने वाले हैं। आई नो आप में से बहुत सारे लोग ये सोच रहे होंगे कि ये वीडियो मैं क्यों बना रहा हूँ। ऑब्वियसली मेरे चैनल को जो लंबे समय से फॉलो कर रहे हैं उन सभी लोगों को पता है कि पबजी मोबाइल लाइट क्या है, क्योंकि मैं ज़्यादातर पबजी मोबाइल लाइट के ऊपर ही वीडियोज़ बनाता हूँ। बट गाइस, बहुत सारे लोग ऐसे हैं जिनको अभी तक पबजी मोबाइल लाइट के बारे में पता नहीं है। एक साल से चला आ रहा है पबजी मोबाइल लाइट, बट ऑफिशियली अनाउंसमेंट नहीं हुआ था। अभी दोस्तों PMCO फाइनल्स में पबजी मोबाइल लाइट का ऑफिशियल अनाउंसमेंट हुआ, उसके बाद दोस्तों पबजी मोबाइल लाइट खेलने का जो संख्या है, मतलब पबजी मोबाइल लाइट खेलने का जो यूजर्स है, बहुत ज़्यादा बढ़ गए सडनली। यानी कि एक साल से उनको पता नहीं था पबजी मोबाइल लाइट करके कोई एग्जिस्ट भी करता है। मैं वीडियोज़ बनाता था बट आई नो बहुत सारे लोगों को पता नहीं था, बट सडनली पबजी मोबाइल लाइट खेलने वाले बहुत ज़्यादा बढ़ गए हैं। मैं भी नोटिस कर रहा हूँ और इसके ऊपर बहुत सारे बड़े बड़े यूट्यूबर्स भी वीडियोज़ बना रहे पबजी मोबाइल लाइट के ऊपर। सो आई नो, तो इस वीडियो में वही हम बात करेंगे पबजी मोबाइल लाइट क्यों है और पबजी मोबाइल लाइट में क्या क्या फीचर्स कम है कंपेयर टू बड़े वाला पबजी। सो विदाउट फर्दर डिले लेट्स गेट स्टार्टेड। ऑलराइट गाइस, सबसे पहले हम बात करेंगे कि टेंशन वालों को पबजी मोबाइल लाइट गेम बनाने की ज़रूरत ही क्यों पड़ी, जबकि उनके पास ऑलरेडी जो बड़ा वाला पबजी गेम है वो बहुत ही ज़्यादा सुपर डुपर हिट है। रीज़न है दोस्तों पैसा, ये और पैसा कमाना चाहते हैं। तो आप लोगों को पता ही होगा कि जो बड़ा वाला पबजी मोबाइल गेम है वो लगभग 1800 या फिर 1900 MB का गेम है, तो लगभग 2 GB रैम वाले फ़ोन में तो बहुत ही मुश्किल से चलता है, और 1 GB रैम वाला फ़ोन है अगर आपके पास तो भूल ही जाओ, वो चलता ही नहीं है, अनसपोर्टेड बता देता है। 3 GB, 4 GB और 6 GB, 8 GB रैम वाले फ़ोन में ठीक ठाक चल जाता है। तो रीज़न है दोस्तों ये पबजी मोबाइल लाइट बनाने का, इनका रीज़न ये है कि दोस्तों जो जिनके पास 1 GB और 2 GB रैम वाले फ़ोन है ना, उनको ये टारगेट कर रहे हैं। ओके, उनके लिए स्पेशल बना रहे हैं। तो ऑब्वियसली जो लाइट वर्जन होगा तो ज़्यादा से ज़्यादा लोग खेलेंगे। इंडिया में अभी भी बहुत सारे ऐसे लोग हैं जिनके पास 1 GB और 2 GB रैम वाले फ़ोन है, तो उनके लिए बेसिकली ये टारगेट कर रहे हैं पबजी मोबाइल लाइट गेम को बना के। ओके, सो और काफ़ी हद तक ये सक्सेस भी हो चुके हैं, क्योंकि गूगल प्ले स्टोर में लगभग 10 मिलियन से ज़्यादा लोगों ने अभी तक पबजी मोबाइल लाइट को जो है डाउनलोड कर लिया। तो रीज़न ये है पबजी मोबाइल लाइट गेम बनाने का। अब बात करते हैं फीचर्स के बारे में, क्या क्या डिफरेंस है कंपेयर टू बड़ा वाला पबजी। पबजी मोबाइल लाइट में भी आप गूगल अकाउंट से या फेसबुक से या फिर ऐसा गेस्ट लॉगिन करके आप लोग खेल सकते हो। तो अब बात करते हैं कि पबजी मोबाइल लाइट और बड़ा वाला पबजी में क्या क्या डिफरेंस है। सबसे पहला डिफरेंस है दोस्तों साइज़ का। बड़ा वाला पबजी का साइज़ है लगभग 1800 MB, बट छोटा वाला जो पबजी मोबाइल लाइट है वो जब पहली बार रिलीज़ हुआ था उसका साइज़ था लगभग 250 MB का, सिर्फ और सिर्फ 250 MB का। लेकिन जैसे जैसे अपडेट्स रोल आउट होते गए, गेम का साइज़ बढ़ता गया, अब जो लेटेस्ट वर्जन है 0.12.0 उसका साइज़ है लगभग 500 MB पबजी मोबाइल लाइट का। तो दोनों के बीच में साइज का बहुत ज़्यादा डिफरेंस है, लगभग 1 GB से भी ज़्यादा। तो इसलिए साइज कम है, ये ज़्यादातर फोन्स में चल जाता है, 1 GB और 2 GB रैम वाले फोन्स में भी, लेकिन बहुत सारे फीचर्स जो है उसको कट कर दिया गया है। तो कौन कौन से फीचर्स कम है पबजी मोबाइल लाइट में, वो भी इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं। सबसे पहला डिफरेंस तो मैंने आप लोगों को बता दिया है गाइस। दूसरा जो सबसे बड़ा डिफरेंस आप लोगों को देखने को मिलेगा दोस्तों, वो है ग्राफिक्स में। ये जो ग्राफिक्स अभी आप लोग देख रहे हो पबजी मोबाइल लाइट गेम में, ये मैक्सिमम दोस्तों ग्राफिक्स है, इससे ज़्यादा ग्राफिक्स आप को नहीं मिलेगा पबजी मोबाइल लाइट में। चाहे आप GFX टूल यूज़ करो या कॉन्फिग यूज़ करो, कुछ भी यूज़ करो, आप लोग को इससे ज़्यादा जो ग्राफिक्स नहीं देखने को मिलेगा पबजी मोबाइल लाइट में। और सेटिंग्स में ग्राफिक्स को चेंज करने का भी ऑप्शन आप लोग को यहाँ पर देखने को नहीं मिलेगा, जबकि बड़े वाला पबजी में आपको मिल जाता है HD, HDR या फिर Ultra HD सपोर्ट करने का, FPS सेलेक्ट करने का भी आपको ऑप्शन मिलता है। बट इसमें दोस्तों आप ग्राफिक्स जो डिफ़ॉल्ट आप लोगों के पास आता है
उसी ग्राफिक्स में आप लोगों को खेलना पड़ेगा और FPS भी आप चेंज नहीं कर सकते। तो दूसरा डिफरेंस दोस्तों ये है। और तीसरा डिफरेंस दोस्तों ये है कि इसमें आपको सिर्फ एक ही मैप मिलेगा, वो है इरेंगल, और इरेंगल भी बहुत छोटा है, मैं अभी आप लोगों को दिखाऊंगा। और आर्केड मोड में आप लोगों को सिर्फ वॉर मोड देखने को मिलेगा और दूसरा कोई भी मोड, क्विक मैच या फिर और कोई मोड देखने को नहीं मिलेगा आर्केड मोड में। और वॉर मोड में भी दोस्तों इसमें सिर्फ 10 बंदे होते हैं, जो बड़ा वाला पबजी है उसमें 20 बंदे होते हैं वॉर मोड में, लेकिन जो पबजी वाला लाइट का वॉर मोड है उसमें सिर्फ और सिर्फ 10 बंदे होते हैं। इसमें भी आप सोलो, स्क्वाड या फिर ड्यू खेल सकते हो, ओके। और एक और बात, इसमें आपको सर्वर सिर्फ दो ही मिलेगा, एक एशिया एक है साउथ अमेरिका, जबकि पबजी मोबाइल बड़ा है, बड़ा वाला जो है उसमें बहुत सारे 5 या 6 सर्वर हमें मिल जाता मेरे ख्याल से, बट इसमें दो ही सर्वर आप लोगों को देखने को मिलता है। ऑलराइट, सो मैं आप लोगों को मैप के बारे में बता रहा था। ये है PUBG मोबाइल लाइट का मैप, बहुत ही छोटा सा मैप है। इसमें बहुत सारे जो लोकेशन है वो मिसिंग है इरेंगल, जो हमें बड़ा वाला PUBG में देखने को मिलता है। फॉर एन एग्जांपल पॉचिंग की आप लोगों को नहीं देखने को मिलेगा इसमें, आप लोगों को मिलता नहीं देखने को मिलेगा, आपको मिलिट्री बेस नहीं देखने को मिलेगा, यहाँ तक कि जॉर्जो पुल भी नहीं देखने को मिलता है। तो बहुत सारे जो प्लेसेस है वो मिसिंग है PUBG मोबाइल लाइट के मैप में। तो ये मैप मैंने आप लोगों को दिखा दिया है PUBG मोबाइल लाइट गेम में। तो ये भी एक काफ़ी बड़ा डिफरेंस है बड़ा वाला PUBG और PUBG मोबाइल लाइट में। एक और डिफरेंस आप लोगों को देखने को मिलेगा दोस्तों, PUBG मोबाइल लाइट में आप लोगों को सिर्फ और सिर्फ 60 बंदे देखने को मिलते हैं प्लेन में, ओके। जब बड़ा वाला PUBG है उसमें आप लोगों को 100 प्लेयर्स खेलते हैं एक साथ, जब क्लासिक मोड हम लोग खेलते हैं, लेकिन क्लासिक मोड में PUBG मोबाइल लाइट में आपको प्लेन में सिर्फ और सिर्फ 60 बंदे देखने को मिलते हैं। तो ये भी एक काफ़ी बड़ा डिफरेंस है PUBG मोबाइल और PUBG मोबाइल लाइट के बीच में। हमें करेंसी में भी डिफरेंस देखने को मिलता है। जो बड़ा वाला PUBG का करेंसी है उसको हम बुलाते हैं UC, लेकिन PUBG मोबाइल लाइट का जो करेंसी है दोस्तों उसको इन्होंने नाम दिया है BC। तो BC भी वैसे ही काम करता है जैसे UC, इसको भी आप बाय कर सकते हो पैसे से, और बाय करके इससे आउटफिट, स्किन, गन के स्किन वगैरह और भी क्रेट्स वगैरह ओपनिंग आप लोग कर सकते हैं। एक और डिफरेंस आप लोगों को देखने को मिलेगा दोस्तों, रॉयल पास को इन्होंने नाम दिया है विनर पास PUBG मोबाइल लाइट में, ओके। बड़ा वाला PUBG है उसमें हम इसको बोलते हैं रॉयल पास, लेकिन इसमें हम बोलते हैं विनर पास। एक और डिफरेंस आप लोगों को देखने को मिलेगा मिशंस में, चैलेंज मिशंस में दोस्तों यहां पे सिर्फ 4 हफ्ते का मिशंस आप लोगों को देखने को मिलता है, जबकि बड़ा वाला PUBG है उसमें लगभग 8 हफ्ते का होता है। यानी कि बड़ा वाला PUBG में आपको रॉयल पास 2 महीने के लिए देखने को मिलेगा, लेकिन PUBG मोबाइल लाइट में जो रॉयल पास होंगे वो सिर्फ 1 महीने तक चलेगा, यानी कि सीजन बहुत जल्दी जल्दी आता जाएगा PUBG मोबाइल लाइट में। रिवर्ड्स भी आप लोग को वो सारे मिलेंगे जो PUBG बड़ा वाला PUBG में मिलता है, उसी तरह के रिवर्ड्स मिलेगा। आई मीन टू से आप लोग विनर पास को बाय कर सकते हो, मिशन कंप्लीट कर सकते हो, रिवर्ड जीत सकते हो। तो ये सारी चीज़ें आप लोगों को PUBG मोबाइल लाइट में भी देखने को मिलेगा। अब बात करते हैं गन्स के दोस्तों, गन्स में भी आप लोगों को यहाँ पे अलग से आर्मोनी का ऑप्शन तो आप लोगों को देखने को नहीं मिलेगा, जो बड़ा वाला PUBG में हमें देखने को मिलता है क्या क्या इक्विपमेंट्स लगता है, कौन कौन से स्किन लग सकते हैं, वो सारे चेक कर सकते हैं बड़े वाले PUBG में। बट इसमें आप लोग को इन्वेंट्री में जाके यहाँ पे आप लोग गन्स में क्लिक करके वो सारे गन्स आप लोग चेक कर सकते हैं, कौन कौन से गन्स हैं इस गेम में PUBG मोबाइल लाइट में। तो बड़ा वाला PUBG में जो गन्स है गाइस वो सारे के सारे गन्स ऑलमोस्ट मिल जाते हैं, बहुत सारे कुछ चीज़ें जो न्यू गन्स एडेड हुए हैं PUBG मोबाइल में वो गन्स आप लोगों को देखने को नहीं मिलेंगे, बट ऑलमोस्ट सारे गन्स यहाँ पे देखने को मिल जाएंगे PUBG मोबाइल लाइट में। हाँ, कुछ गन ऐसे भी है जो इन गेम यहाँ पे इन्वेंट्री में दिखाई देते हैं बट इन गेम आप लोगों को नहीं देखने को मिलता, जैसे कि ये फ्लेयर गन अभी फिलहाल PUBG मोबाइल लाइट इन गेम में नहीं है, ये गन भी आप लोगों को नहीं मिलता है, स्वाइप ऑफ सवैद आप मेरे को प्रोनाउंस करना भी नहीं आ रहा, और ये गन भी आप लोगों को नहीं मिलता R45। तो कुछ गन्स ऐसे भी है जो इन गेम आप लोगों को नहीं मिलता बट इन्वेंट्री में दिखाया जाता है। तो ये भी कुछ डिफरेंस है PUBG मोबाइल लाइट और PUBG मोबाइल के बीच में। दोस्तों अगर गेम प्ले की बात करें तो ऑलमोस्ट सेम टू सेम है बड़ा वाला PUBG से, वही आपको गेम में प्लेन से नीचे उतरना है, सबको किल करना है, सभी को जब जो बंदा लास्ट में बचेगा वही जीतेगा। और ग्राफिक्स थोड़ा सा कम है बट गेम प्ले सेम टू सेम आप लोगों को देखने को मिलेगा, वही एक्सपीरियंस आप लोगों को मिलेगा जो बड़ा वाला PUBG में आप लोगों को देखने को मिलता है। हाँ, आप लोगों को 30 FPS में खेलना पड़ता है, लेकिन 60 FPS में खेलने का एक ट्रिक है जिसके बारे में मैंने ऑलरेडी वीडियो बना रखा, जैसे कि आप लोग देख सकते हो मैं 60 FPS में खेल रहा हूँ। अगर आपको भी PUBG मोबाइल लाइट को 60 FPS में खेलना है तो उसके बारे में मैंने वीडियो बना रखा है, उस वीडियो का लिंक आपको इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। तो गेम प्ले का जो एक्सपीरियंस है आप लोगों को हूबहू वही गेम
एक्सपीरियंस मिलेगा जो बड़ा वाला पबजी में आप लोगों को देखने को मिलता है। और एक और बात मैं आप लोगों को कहना चाहूँगा दोस्तों, इसमें सिर्फ वो TPP मोड आप लोगों को देखने को मिलेगा, FPP मोड इसमें अभी तक आया नहीं और मुझे ऐसा लगता नहीं कि जल्दी कभी मतलब जल्दी आने वाला भी है कि पबजी मोबाइल लाइट में FPP मोड का। तो FPP मोड ऐड करेंगे तो ऑब्वियसली गेम का साइज और ज़्यादा बड़ा हो जाएगा। सो FPP मोड फिलहाल नहीं है, सिर्फ TPP मोड आप लोगों को देखने को मिलेगा पबजी मोबाइल लाइट में। एक और सवाल बहुत देखा मैंने कमेंट्स में, वो ये कि बहुत सारे लोग ये पूछते हैं कि पबजी मोबाइल लाइट के जो प्लेयर्स हैं वो बड़ा वाला पबजी जो है उसके प्लेयर से मैच मेकिंग कर सकते हैं। आंसर है नो दोस्तों, ये बड़ा वाला पबजी और पबजी मोबाइल लाइट जो है कम्प्लीटली अलग अलग गेम है। दोनों ही गेम में आपको अलग अलग अकाउंट्स बनाने पड़ते हैं। तो जो अगर आप पबजी मोबाइल लाइट में खेल रहे हो गेम, तो बड़ा वाला पबजी के प्लेयर से मैच मेकिंग नहीं कर सकते। आपको गेम में वही प्लेयर्स मिलेंगे जो पबजी मोबाइल लाइट खेल रहे होंगे, तो मैच कम्प्लीटली दोनों अलग अलग गेम है। ओके ऑलराइट गाइस, मैंने शायद काफ़ी हद तक आप लोगों को समझा दिया कि पबजी मोबाइल लाइट और बड़ा वाला पबजी में क्या क्या डिफरेंस है। अगर कुछ मेरे से रह गया तो आप कमेंट्स में मेरे को ज़रूर बताइएगा, मैं आप लोगों की बात सुनूंगा और आप लोगों के कमेंट्स भी पढ़ूंगा और आप लोगों को रिप्लाई ही भी दूंगा। सो मुझे लगा कि इसके ऊपर एक वीडियो बनाना चाहिए क्योंकि पबजी मोबाइल लाइट के यूजर्स डे बाई डे बहुत ही ज़्यादा बढ़ रहे हैं। मैं सडनली बढ़ गए जब से PMCO में ऑफिशियल अनाउंसमेंट हुआ है, तो मुझे लगा कि अभी भी बहुत सारे भाई लोग ऐसे जिनको पबजी मोबाइल लाइट के बारे में कंप्लीट डिटेल्स नहीं पता है, तो मैंने वीडियो बना के आप लोगों को बता दिया। आई होप आपको ये वीडियो पसंद आया है, तो पसंद आया तो प्लीज़ लाइक कीजिए, अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर कीजिए और पबजी मोबाइल या फिर पबजी मोबाइल लाइट से जुड़े लेटेस्ट वीडियोज़ देखने के लिए इस चैनल को सब्सक्राइब करके रखिएगा और बेल आइकन को ज़रूर प्रेस करना, क्योंकि जब भी मैं कोई नया वीडियो अपलोड करूँ आप लोगों को नोटिफिकेशन पहुँच जाए। सो थैंक यू फॉर वॉचिंग गाइस, हैव अ ग्रेट डे, बाय बाय, टेक केयर, लव यू ऑल।